देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से बनाना है, ऐसे देखिए इस तरीके से बना लेना है। जो ऊपर का आटा इसका होता है वो हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। देखिए, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आप लोग देखिएगा, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम आ गए हैं किचन में। देखिए, आलू हमने ले लिए हैं, 10 आलू लिए हैं पराठा बनाने के लाने। अब हम इनको रखते हैं उबालने। अब इसमें हम रखते हैं, ये हमने देखिए कुकर में डाल दिए हैं 10 आलू। अब इसमें हम डालेंगे आधा लोटा पानी। इस तरीके से आधा लोटा पानी डाल दिया है। अब हम इसको हम ढक्कन बंद कर देते हैं और 2 सीटी आ जाएंगी तभी मेरे आलू उबल जाएंगे। आलू के पराठा के लिए हमने लिए है 5 मिर्च, हरी धनिया, 2 प्याज। अब इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं दोस्तों। 2 प्याज लिए थे आलू पराठा बनाने के लाने, तो अब इसको हम 4 टुकड़ों में कर लेते हैं। आइए, हम लिए है कटर, अब इसमें हम महीन महीन काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने 4 टुकड़ों में कर लिया है। अब इसको हम ढक्कन कर देते हैं बंद इस तरीके से। इसको इस तरीके से करना है। ये देखिए, प्याज हमने काट लिया है, बारीक बारीक मेरा प्याज हो चुका है। अब हम काटते हैं मिर्ची, हरी मिर्च। देखिए इस तरीके से बीच से हम इसको कट करके इस तरीके से काटेंगे, बारीक बारीक इसको महीन काट लेते हैं। मिर्च हमने काट ली है। अब हमने धनिया ली हुई है, अब इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। इसको इस तरीके से हटा देते हैं, इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 कप आटा लिया हुआ है हमने। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ढीला रहना चाहिए आटा, तो पराठा अच्छे बनेंगे, भरने में भी आसान रहेगा। देखिए दोस्तों, आटा हमने थोड़ा सा ढीला मारा है। इस तरीके से मारना तो पराठे अच्छे बनेंगे और बढ़िया मुलायम रहेंगे और स्वादिष्ट भी रहेंगे। आटा हमारा गुन चुका है। अब इसमें हमने थोड़ा सा लगा दिया है रिफाइंड, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रखे दे रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, देखिए आलू हमारा उबल चुका है। अब इसको हम छील लेते हैं। आलू हमने छील लिए हैं, अब इसको हम कद्दूकस से इस तरीके से कस लेते हैं। देखिए आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया।
अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सारा मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1-2 चम्मच भुजा जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1/4 स्वादानुसार नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से पराठन के लिए मसाला मेरा तैयार हो चुका है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से लोई बना लेना है। इसको इस तरीके से लोई बना के इस तरीके से लोई बनाना है और इसमें सूखा आटा लगा के इस तरीके से इसको कर लेना है। अब इसमें हम 1 चम्मच भरेंगे मसाला। देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से बनाना है। ऐसे देखिए इस तरीके से बना लेना है। जो ऊपर का आटा इसका होता है वो हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनके तैयार हो गई। इसी तरीके से हम सारी रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने सारी बना लेते हैं। ठीक देखिए हमने सारी रेडी कर ली हैं। अब इसको हम बेलन से हल्के हल्के हाथ से बेलते हैं। देखिए इस तरीके से गोल करते हैं। देखिए हमारी गोल हो चुकी है रोटी। ये देखिए स्टीम का तवा मेरा गर्म हो चुका है। आप चाहें तो लोहे का तवा यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पराठा। देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा हल्का हल्के हाथ से इस तरीके से करना है तो चारों लगे इसका वो बढ़िया पक जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको हम पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा पका है। अब इसमें हम लगाते हैं तेल। देखिए देहात में हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये मेरा आलू का पराठा है। देखिए कितना अच्छा बना है। पलटा लेते हैं। देखिए इस लंग भी हम तेल लगा देते हैं। धीमी धीमी आंच में इसको सेकिएगा। देखिए फूल के तैयार हो चुका है। इसको पलटाते रहना है। देखिएगा धीमी धीमी आंच में सेकिएगा। जब ये करारे करारे सिकेंगे तभी इनका बढ़िया टेस्ट आएगा खाने में। और देखिएगा हमारे धीमी धीमी आंच में सिका है। अब हम इसको प्लेट में इस तरीके से ऐंच लेते हैं। देखिए ये हमारा पराठा बन रहा है। कैसे लग रहे हैं आपको देखने में आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। देखिए जय कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना इसका स्वाद अच्छा होगा। इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर
ट्राई करिएगा, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी हमारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप एक बार ट्राई करिएगा घर में, बहुत अच्छी लगेगी। देखिएगा कितने अच्छे पराठे बन रहे हैं, बच्चों के लाने बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसका। धीमी धीमी आंच में पकाइएगा आप लोग, बहुत अच्छे से इसका करारे करारे सीखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है इसको, कर ले अंदर। देखिए पराठा हमारे बन के तैयार हो गए हैं, अब इसके इसमें आप बनाइएगा चाय और आप पराठा खाइए, चाय पिए, फिर इसका देखिए कितना अच्छा स्वाद आता है खाने का। देखिए हमने सारी रेडी कर ली हैं, अब इसको हम बेलन से हल्के हल्के हाथ से बेलते हैं। देखिए इस तरीके से गोल करते हैं, देखिए हमारी गोल हो चुकी है रोटी। ये देखिए स्टीम का तवा मेरा गरम हो चुका है, आप चाहे तो लोहे का तवा यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पराठा, देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा हल्का हल्के हाथ से इस तरीके से करना है तो चारों लगे इसका वो बढ़िया पक जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको हम पलट देते हैं, देखिए कितना अच्छा पका है। अब इसमें हम लगाते हैं तेल, देखिए देहात में हम इसी तरीके से बनाते हैं। ये मेरा आलू का पराठा है, देखिए कितना अच्छा बना है, पलटा लेते हैं। देखिए इस लंग भी हम तेल लगा देते हैं, धीमी धीमी आंच में इसको सेकिएगा। देखिए फूल के तैयार हो चुका है, इसको पलटाते रहना है। देखिएगा धीमी धीमी आंच में सेकिएगा, जब ये करारे करारे सिकेंगे तभी इनका बढ़िया टेस्ट आएगा खाने में। और देखिएगा हमारे धीमी धीमी आंच में सिका है, अब हम इसको प्लेट में इस तरीके से ईंच लेते हैं। देखिए ये हमारा पराठा बन रहा है, कैसे लग रहे हैं आपको देखने में, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें। देखिए जय कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना इसका स्वाद अच्छा होगा। इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये रेसिपी हमारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप एक बार ट्राई करिएगा घर में, बहुत अच्छी लगेगी। देखिएगा कितने अच्छे पराठे बन रहे हैं, बच्चों के लाने बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसका। धीमी धीमी आंच में पकाइएगा आप लोग,
बहुत अच्छे से इसका करारे करारे सीखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है इसको। देखिए पराठा हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इसके इसमें आप बनाइएगा चाय और आप पराठा खाइए, चाय पिए, फिर इसका देखिए कितना अच्छा स्वाद आता है। ये लीजिए दोस्तों, आलू के पराठे बन के तैयार हैं। ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।